अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। भारतीय टेलीविजन शो सीआईडी तो आप देखते ही होंगे जिसमें डॉक्टर सालुंखे मुख्य अभिनेता करते हैं, तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। उनका असली नाम नरेंद्र गुप्ता है। उनका जन्म 21 जुलाई 1962 को हुआ था। यह जानकर चौंकाने वाला है कि वेब में उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वो एक पेशेवर थिएटरिशियन, अभिनेता और लेखक है। नरेंद्र गुप्ता टेलीविजन अभिनेता है। नरेंद्र गुप्ता टीवी शो में भाग लिए हैं जैसे सीआईडी, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो, सात फेरे, साथ साथ बनाएंगे एक आसिया। उन्होंने कई उच्च बजट परियोजना में काम किए हैं और उनके परियोजना के पीछे बहुत अनुभव है। उनकी सबसे लोकप्रिय परियोजना सीआईडी है जो निस्संदेह भारतीय टेलीविजन पर सबसे लंबी सीरीज श्रृंखला में से एक है। वो इस अपराध श्रृंखला में एक फॉरेंसिक टेक्नीशियन डॉक्टर सालुंखे की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने 1998 से 2003 तक शो में काम किए हैं और फिर 2006 और 2007 के सत्रों में फिर से दिखाई दिए। उनके अगले सबसे लोकप्रिय टीवी शो सात फेरे सलोनी का सफर, जो बाद में भारतीय टेलीविजन पर नवा सबसे लंबा कार्यक्रम बन गया। उन्होंने इस लोकप्रिय श्रृंखला में आपजी की भूमिका निभाई। जैसे कि नाम से पता चलता है, यह शो नायक के जीवन पर आधारित है। टेलीविजन पर अन्य योगदान कहता है दिल और पिया का घर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक शो में नरेंद्र गुप्ता सामूहिक कलाकारों के बावजूद खड़े हो गए हैं। उन्होंने 2012 में अदालत में भी काम किए थे और यह शो फिर से भारतीय जनता के बीच बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में उनके नाम के तहत कुछ परियोजनाओं के साथ अपना निशान भी बनाए। इनमें 1996 अक्षय कुमार की फिल्म तू चोर मैं सिपाही एक बार फिर एक अपराध परियोजना शामिल है। 1997 की फिल्म उड़ान जिसमें रेखा और सैफ अली खान है, इसमें नरेंद्र गुप्ता की भूमिका के लिए उल्लेखनीय है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।